यार सपने सच होते हैं, यार सपने सच होते हैं, क्या ये पॉसिबल है सपने सच हो सकते हैं? हाय सो गाइस, की हाल चाल? आज का हमारा क्वेश्चन है, यानी कि टॉपिक है, हाउ टू फुलफिल योर या आवर ड्रीम्स। अब गाइस ड्रीम्स क्या है? गाइस ड्रीम्स जो होते हैं ना सपने, वो एक ना रहस्यमय दुनिया है। मतलब ऐसे में दुनिया इन द सेंस आप ऐसे समझो, जो सपना है वो जब हमारे दिमाग में आता है तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारी पास्ट की इमेज है, कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारा प्रेजेंट है, कुछ लोगों को दिखता है फ्यूचर, लेकिन कुछ लोगों को आजकल दिखती है, कुछ को कुछ दिखता है, कुछ को कुछ दिखता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि सपना एक अजीब सी रहस्यमय दुनिया है, जब हम सोते भी ऑब्जर्व करते और महसूस करते, और वो इतना परफेक्टली होता है गाइस कि देखो ऑब्जर्व तो हम करते हैं, देखो हर इंसान छोटी मोटी चीजों को ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसको महसूस तब करता है सपने के समय, क्योंकि सपने के समय वो मुद्दा होता है। मुद्दा इन द सेंस कि वो उसका शरीर सुन्न होता है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। कुछ को अपने सपने पता होते हैं, कुछ को अपने सपने नहीं पता, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सपने ही नहीं याद रहते, क्योंकि हमें सपने कितनी देर याद रहते हैं? अगर आप रिसर्च की बात मानिए तो आपको उठने के बाद सपना एक मिनट या दो मिनट से ज्यादा याद नहीं रह सकता, क्योंकि सपना एक अलग सा वर्ल्ड है। बट अगर आप मेडिटेट करके अपने शरीर को शांत रखने में कामयाबी हासिल कर ले तो शायद आपको अपने सपने कुछ और लंबे समय के लिए याद हो। अब आए को आप एक और बात बताओ, साइंटिस्ट के बारे में सुना, इन्वेंटर सबसे फेमस निकोलस टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके बारे में सभी जानते हैं। बोलोगे क्या इन्वेंटिंग के बारे में पता है? हमें पता है। अब अगर मैं ये बताऊं कि ये अपनी रिसर्च, अपना काम सबसे ज्यादा सोते हुए कर रहे थे, मतलब कि अपने सपनों में ही अपना मैक्सिमम काम कर लेते थे, हकीकत में तो बाद में करते थे। अब बोलोगे आए सपने में कैसे कोई कर लेता है और फिर वो हकीकत में भी हो जाता है? वो ऐसे होता है गाइस कि जो सपने होते हैं ना वो एक रहस्यमय दुनिया, वो हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। वो बेसिकली ऑब्जर्व करके हमें पिक्चराइज फॉर्म में सपनों के फॉर्मेट में दिखाता है, एंड वो जो सपने होते हैं वो इतने रियलिस्टिक होते हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि ये हकीकत में पॉसिबल है। अब सबसे बड़ा रहस्य ना गाइस आपको बताने वाला हूं, जो मेरी रिसर्च, आई डोंट नो साइंटिस्ट इस चीज को माने कि नहीं, बट अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च सपने बेसिकली मल्टीवर्स जो है ना, मल्टीवर्स क्या है, मल्टीवर्स की पिक्चराइज फॉर्म है हमारी खुद की। अब गाइस ये तो सभी को पता है कि हर इंसान के सात हमशक्ल होते हैं, ये तो सभी को पता है, ठीक है, सेवन हमशक्ल सबको पता है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि इस दुनिया में अनंत ब्रह्मांड। अब जैसे हम सुपर पावर में माने वो भैया और भी जो है उनको काउंट करेगा तो बेसिकली वो इनफिनिट है, ठीक है, उनकी कोई सीमा नहीं है, चरम सीमा नहीं है, वो अनंत है। तो इसी तरह से अगर आपने किताबें पढ़ी हो, शास्त्र पढ़ी हो, तो उसमें ऐसा लिखा है कि जो विष्णु जी है वो उनके ऊपर अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। अब ये जो अनंत ब्रह्मांड है इन्हीं को मल्टीवर्स कहा जाता है। अगर आपने पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट सुना हो कि शीशे के पीछे की भी दुनिया है या हमारी दुनिया जैसी एक और दुनिया भी है, सेम टू सेम वैसे ही मल्टीवर्स, अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा तो आपको काफी क्लेरिफिकेशन होगी कि मल्टीवर्स बेसिकली क्या है, कि हमारे जैसे अनंत ब्रह्मांड है, मतलब बहुत सारी दुनियाएं हैं, तो उसमें हमारे ही जैसे, हमारे सेम टू सेम कैरेक्टर वाले इंसान भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब यू समझ लो कि आप जो इस वर्ल्ड यानी अर्थ पे अभी वो सेम इसी तरह से आप इनफिनाइट मल्टीवर्स की दुनिया में जी रहे हो अलग अलग तरह की जिंदगी। अब वो जो अलग अलग तरह की जिंदगी है ना,
वो आपको सपनों के थ्रू दिखती है। अब कुछ लोग इस बात को मानेंगे कि नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा होता है भाई, क्योंकि वो जो आप सपने में देखते हो ना, कुछ भी चीज आप सपने में देखते हो वो हकीकत होती है, लेकिन पूरी तरह से आपको हकीकत पे यकीन नहीं होता। आप ये बोलते हो कि जो मैं सपना देख रहा हूं वो 50% सच है, 50% तो कल्पना है। अब एक बात बताओ, अगर वो 50% कल्पना है तो कल्पना कहां से है, कहां से आई वो कल्पना, कहां से आई वो इमेजिनेशन? आप बोलोगे यार हमारे दिमाग ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो इमेजिन कर लेते हैं। अरे भाई हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत सिंपल मशीन है कंप्यूटर की तरह, उसको कोई सोचने की इतना जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा दिमाग यूनिवर्स के रहस्य की तरह। अब आप बोलोगे कि यूनिवर्स में तो डार्क मैटर भी है, डार्क एनर्जी भी है, बिल्कुल सही कहा। वो क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं वहां क्या एग्जिस्ट करता है, हमें पता ही नहीं कि वहां क्या एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए हमने जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसको डार्क मैटर डार्क एनर्जी का नाम दिया। सेम हमें ये भी नहीं पता कि हम सपने में क्या देखते हैं, क्यों देखते हैं, तो उसका आंसर है मल्टीवर्स कि आप जो भी इसके लिए जो भी सपने में देख रहे हो, कोई भी इस दुनिया का इंसान जो भी अपने सपने में देख रहा है वो मल्टीवर्स की दुनिया में इनफाइनाइट टाइम्स घटित हो, घटित इन द सेंस कि वो इनफाइनाइट टाइम्स हकीकत में हो रहे। अब आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अब इसका आंसर देख ले, प्रूफ हो देते, डेजा वू। डेजा वू सबको पता है, कहीं कहीं को ऐसा एहसास होता है, कहीं नई जगह पे जाते हैं, अरे यहां तो मैं पहले ही आ चुका हूं, जबकि वो पहली बार उस जगह पे गया है लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है नहीं यार यहां तो मैं पहले भी आ चुका हूं। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है क्योंकि वो मल्टीवर्स दुनिया में वहां पहले ही जाके आ चुका है लेकिन उसे पता ही नहीं है। अब इसको अगर साइकोलॉजिकल या फिर शास्त्र की दुनिया में कहे तो बंजरन कह सकते हैं, पुरानी जिंदगी के बारे में कह सकते हैं, किसी को कुछ याद रहता है। और मल्टीवर्स की दुनिया में साइंटिफिक लैंग्वेज से मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसनेस बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और आती है कि ये तो हमें समझ आएगा कि मल्टीवर्स में हम अलग अलग चीजें देख रहे हैं तो वही हमें सपनों के थ्रू दिखती है, लेकिन सपनों को फुलफिल कैसे करें? क्योंकि हमें तो सपने दिखते ही ऐसे हैं जो हमें लगता है हम हकीकत में कर ही नहीं सकते। अब इसका रहस्य ये है गाइस, जो सपने होते हैं ना वो बिल्कुल रहस्यमय, बहुत अजीब से दिखते हैं या ऐसी चीज दिखती है जो हकीकत में हो नहीं सकती लेकिन वो हकीकत में हम कर सकते हैं। बेसिकली सपने जो है ना हमारी काबिलियत हमें दिखाते हैं कि हम ये चीज करने का काबिलियत हमारे अंदर है, बस हमें उसके लिए मोटिवेशन चाहिए यानी कि हिम्मत चाहिए। अब आप बोलोगे यार हिम्मत तो मैं कर लू लेकिन मेरे पास हुनर है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरे पास ये टैलेंट है कि नहीं। टैलेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है भाई, सिर्फ मेडिटेट करके कोशिश करो। जैसे जैसे समय बीतेगा आपका जो टाइम पीरियड आपने रोज उस काम के लिए 5 मिनट 10 मिनट जो आपने सपने में देखा और आपको लगता है कि वो आपका पैशन बन सकता है, वो आप कर सकते हो, तो उसको हर रोज 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दो। इतना अगर आप रोज करोगे एवरी डे, 5 मिनट निकालने को बगली बात नहीं है लेकिन अगर आप ट्राई करो तो भाई वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो बेसिकली आपने उस काम को इतनी ज्यादा बार कर लिया होगा कि आप उस काम में मास्टर हो जाओगे या परफेक्ट हो जाओगे, और आपको लगेगा कि यार ये कैसे परफेक्ट हो गया इस काम में जबकि ये तो हमारी रन नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ये है रहस्य गाइस, कि आप अगर अपने पैशन को 5-5 मिनट रोज दो तो वो 5 मिनट मल्टीप्लाई होते रहते हैं हर दिन। हर दिन का अगर आप हिसाब लगाओ 5 मिनट एक दिन का, 30 दिन का 150 मिनट, 150 मिनट कितने हुए, 150 मिनट हुए लगभग, अगर 2 घंटे है तो 180 मिनट 3 घंटे होते हैं, तो 150 मिनट 3 घंटे से कम हो, 2.5 घंटे लगा लो या थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो आप ये सोचो आपने 1 महीने में पूरे 2.5 घंटे लगा दिए काम को सीखने। अब जैसे कोडिंग के, ठीक है, कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग में हमें कोड सीखने में समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि एल्गोरिथम हमें लिखना कैसे, टाइप कैसे करना है, हमें लैंग्वेज नहीं समझ आती। लेकिन अगर हम रोज कोडिंग 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा 15 मिनट करें तो क्या होगा, तो हमें धीरे धीरे करके चीजें समझ आने लगती है।
दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है गाइस, बस समझने की जरूरत है। जैसे जैसे आप टाइम लगा लगा की चीजों को समझने की कोशिश करोगे, धीरे 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 आपकी वो हैबिट बनती चीज है। बिकॉज एक 21 डेज का रूल है कि अगर आप कोई काम 21 दिनों तक करो तो वो आपकी हैबिट बन जाए। वो अच्छी हैबिट भी हो सकता है, बुरी हैबिट भी हो सकता है, लेकिन जो बुरी हैबिट होती है वो हम जल्दी अपना लेते हैं एज कंपेयर टू अच्छी हैबिट। क्यों? क्योंकि यार अच्छी हैबिट आजकल के टाइम में नहीं जल्दी से अडॉप्ट करते, बुरी हैबिट बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। यही कारण है गाइस कि जो अच्छी हैबिट्स होती है ना उनको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप 21 डेज का रूल और टफ है गाइस, क्योंकि हर रोज एक ही काम है जो आपकी अच्छी हैबिट उसको करते रहना ग्राइंड बहुत मुश्किल। लेकिन अगर आपने कर लिया तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। वो नहीं पता कोई हैबिट बन गई फिर तो आप उसे करने में आपको मजा आएगा। जब आपको अपने काम करने में मजा आएगा, वो एक्साइटमेंट हो, तब जाके आप अपने पैशन यानी कि ड्रीम में जो देख रहे हो उसको हकीकत बना। क्योंकि ड्रीम्स में बेसिकली हम कुछ लोग परेशान होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, अलग 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 इमोशंस। लेकिन ज्यादातर सपने ऐसे होते हैं जो हम हकीकत में नहीं कर सकते, वैसे सपने। अब अगर मैं अपना पीओवी दूं यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू, सो बेसिकली गाइस मेरे जो सपने है ना वो जितने टाइम में मेडिटेट करो, जब ये आई थिंक उसको 3-4 साल हो चुके, ठीक है, मेडिटेशन की इस लाइन में आते, तो मैं हाई लेवल में डील रहा। तो बेसिकली क्या है, हाई लेवल की मेडिटेशन कैसे होती है कि जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने दिमाग को 17 सेकेंड्स के लिए एम्प्टी नहीं कर सकते। 17 सेकेंड्स के लिए एम्प्टी इन द सेंस क्या, ये थ्योरी है कि अगर आप अपने दिमाग को 17 सेकेंड्स के लिए एम्प्टी कर दो तो वो उसकी पावर 10 टाइम्स बढ़ेगी। 10 टाइम्स इन द सेंस कि 17 सेकेंड्स का मतलब है कि 17 सेकेंड तक अपने दिमाग में कुछ नहीं सोचो, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक कि मैं एम्प्टी हूं दिमाग। कर सकते हो, जो कर सकते हैं उनकी कैपेसिटी आपको मतलब उनका अलग ही एक ऑरा आपको महसूस हो। अब इसकी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए अगर आप इसको 17-34 सेकंड्स करते हैं तो ये कैपेसिटी 100 गुना हो जाएगी। अब अगर आप इसको और मल्टीप्लाई कर दें तो 17-51 सेकंड्स करें तो पावर 1000 गुना हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको 1 मिनट 8 सेकंड की मतलब अल्टीमेटम अचीवमेंट कर ली, वैसे बहुत मुश्किल है 1 मिनट 8 सेकंड तक अपने दिमाग को बिल्कुल एम्प्टी रखना, कुछ नहीं सोचना, तो आपके दिमाग की ताकत 10,000 टाइम्स बढ़ जाएगी। और इसी तरह से आप जैसे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे कैपेसिटी अल्टीमेट लेवल तक जा सकती है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइस, देखो मैं इस बात का वो नहीं करना चाहता बिकॉज बेसिकली मेरा पीओवी, आई नो सब बोलेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो मेरा 1 घंटे तक जा चुका है, मतलब 1 मिनट नहीं 1 घंटे तक। हाँ आई नो आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है भाई, तू तो बड़ी आम इंसान है, तेरा कैसे 1 घंटे तक तो कुछ भी नहीं सोचता। छोड़ो इस चीज को, देखो इस चीज को आप चाहे मजाक मिले कुछ, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, मतलब और भी बहुत है यार मेरे जैसे जो ये करने में अचीव कर चुके, बट वो बेसिकली क्या है वो मतलब दुनिया के सामने नहीं आना चाहते यार। देखो हर चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है, सुपर ह्यूमंस भी एग्जिस्ट करते हैं, सुपर इंसान भी, तो इसीलिए हर कैटेगरी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिकॉज हर दुनिया में यूनिकनेस होती है। ये दुनिया डाइवर्स दुनिया में यूनिकनेस नहीं होगी तो कहां होगी भाई। हमारी देखो 850 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है, 8.3 या 5 बिलियन की व्हाटएवर, तो सबकी सोच डाइवर्स यानी कि अलग नहीं होगी तो भाई मजा कैसे आएगा यार। एक बात बताओ, अगर आपको बिजनेस करना है, सबके दिमाग में ये दिमाग में चले कि हमें भी बिजनेस करना है, तो क्या बिजनेस चलेगा आपका? नहीं चलेगा। आपको टीचिंग करनी है, सारे टीचिंग करने लग जाए, क्या आप कर पाओगे टीचिंग? नहीं कर पाओगे भाई। इसीलिए तो वैरायटी डाल रखी है दुनिया में कि अलग 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 तरह के लोग, अलग 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 तरह की सोच से आपको सीख भी मिलती है, प्लस आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है, भाई ऐसे भी लोग होते हैं ये तो हमें पता ही था,
इस टाइप का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये तो बता ही रहा। तो इसी तरह से पूरी लाइफ टाइम अलग अलग लोगों का पीओवी ऑब्जर्व करते हैं, और कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि जो हम सपने में देख रहे हैं वो कोई हकीकत में जी रहा हो। आप ये सोच के देखो, जो हम सपने में देख रहे हैं हकीकत है कि कल्पना, ये तो हमें पता है, पर ये भी हो सकता है कि वो कोई और अपने सपने में देख रहा हो या हकीकत में वो जिंदगी जी रहा हो। अब अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता गाइस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पीओवी पे मेरे पॉडकास्ट बनाए, तो अगर आप देखना चाहें वो मेरे पॉडकास्ट नीचे मिल जाएंगे कि पीओवी लाइफ में कैसे मैटर करता है और बिजनेस में कैसे मैटर करता है। बट सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के ऊपर की जो वीडियो है वो आपको मेरे किसी और चैनल पर मिलेगी, एंड उसका नाम है मिस्टर हेल्थ पेडियाट्री, जो बेसिकली एक साइंस का चैनल है। वहां पे मैंने डीप में एक्सप्लेन किया है टेक्निकली कि ये सब चीज क्या है। अब रही बात सपने की गई, अगर आप बोलो कि तूने एक घंटे वाली बात कैसे बोल दी, तू कैसे अचीव कर सकते एक घंटा, उसका आंसर है त्राटक। अब त्राटक क्या है बेसिकली गाइस, मैं उसपे पूरा डिटेल वीडियो लाने वाला था बट मुझे टाइम नहीं मिला, अदरवाइज मैं आपको सारा एक्सरसाइज कैसे करी जाती है उसका क्या रहस्य है उसमें पूरा एक डेडिकेटेड क्या तो वीडियो बनाऊंगा या पॉडकास्ट मेरा प्लान है, तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, वीडियो और पॉडकास्ट में से कोई एक चीज आई इस पे, मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बता दूंगा कि प्रोडक्ट जो है बेसिकली उस पर एक वीडियो आने वाला है या पॉडकास्ट। बाकी अगर आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से जानना है तो आप मिस्टर हेल्थ पेडियाट्री चैनल पे मेरी क्लास स्ट्रीम है, जो बेसिकली मैंने कई कुछ बच्चों का सेशन लिया था हाउ टू ओपन द थर्ड आई करके ऐसे कुछ है, तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था ट्राटक। लेकिन वो जो मैंने बताया वो सिर्फ बुकिश के लैंग्वेज से और अपना पीओवी बताया, डिटेल में मैं बता दूंगा। बेसिकली गाइस ट्राटक एक एक्सरसाइज होती है जो कि 5000 साल पुराना हमारा प्राचीन भारत का जो विज्ञान है वहां से है, उसपे मैंने बहुत रिसर्च करी थी तब मैंने वो चीज ट्राई करी थी। एंड गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं देती है, वो रिजल्ट बहुत जल्दी देती है क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म में, मैं बता रहा हूँ 5000 साल पुराना जो हमारा प्राचीन भारत है उसमें वो चीज करी जाती थी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस बेसिकली मेरा क्या है कि मैं वही चीज आपको बताऊंगा जो मैंने हकीकत में खुद करके देखी है, खुद महसूस करी है, अपना पूरा पीओवी आपके साथ उसको शेयर करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज ट्राई करते हैं और आपको डर ना लगे, अगर आपको डर नहीं लगेगा तो भाई आपको नहीं पता कि आप क्या लेवल अचीव कर सकते हो इससे, बिकॉज दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ। जो ये प्राणायाम वगैरह ये सब है ना, ये तो बॉडी को सुख करते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपको वीडियो या व्हाट्सएप में ही देखना पड़ेगा। यार गाइस मुझे एक्साइटमेंट बहुत है आपको अभी बताने का, लेकिन अगर मैं अभी बता दूंगा तो फिर यार वो सरप्राइज रखो ना, अंदर क्यूरियोसिटी रखो ना, क्या होगा उसमें, क्या बता देगा, ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्यूरियोसिटी रखो, थोड़ा सस्पेंस भी रखना चाहिए ना। अब देखो भाई सपने फुलफिल करने हैं तो भाई मेहनत और हार्डवर्क वो मना नहीं कर रहे, वो तो करना ही पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा और हुनर भी निकालना पड़ेगा अपने अंदर को, इनर टैलेंट को पॉलिश करके उसको इंप्रूव भी करना। लेकिन ये बेसिकली क्या है ना गाइस, ड्रीम्स देखने से अगर आप एक स्पेसिफिक गोल अचीव कर लेते हैं लाइफ का तो आप उसे लाइफ भी बना सकते, कि आप जो सपने में देख लो अगर वो आपकी लाइफ बन जाए तो उससे बड़ी चीज ही कुछ नहीं है यार, कि जो हमने सोचा वो हकीकत में हो गया। तो योगिन भाई ये तो चमत्कार हो गया, ये तो मिरेकल हो गया। देखो यार इस दुनिया में चमत्कार मिरेकल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनको करने का सही ढंग है रूल। एग्जांपल दूं, जो बिलियनर लोग हैं, जो ट्रिलियनर लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो जल्दी उठते हैं भाई, वो सुबह जल्दी उठते, अच्छा एक बाबू वो जल्दी उठ के करते क्या, सोचो क्या करते, वो भी तो मेडिटेट ही करते हैं भाई। भाई ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये त्राटक वाली एक्सरसाइज करते कि नहीं, त्राटक वाली एक्सरसाइज तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल मेडिटेशन तो करते हैं ना, उन्हें पता है कि उन्हें सारा दिन निकालना है तो अपने दिमाग को शांत रखते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा मेगा बिजनेस होता है,
इसीलिए उन्हें अपने दिमाग को शांत करना बहुत जरूरी है ताकि वो सही से सही डिसीजन ले सके, गलती कम हो, क्योंकि अगर गलती होगी तो लॉस होगा, एंड लॉस होगा तो यार वो उन्हीं के लिए नुकसानदायक है ना, तो अपना लॉस क्यों करो। इसीलिए बिलियनेयर ट्रेनर लोग जो होते हैं वो योगा करके अपने आप को शांत रख के फिर कार्य करते हैं ताकि गलतियां कम हो यार, और मजा भी आए अपने काम में। क्योंकि ज्यादातर लोग ये बोलते हैं जॉब कर दो भाई, जॉब तुम्हें पैसा दे सकती है, खुशी दे सकती है, लेकिन मजा नहीं दे सकती। अब ऐसा नहीं है कि मैं मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार अपनी जॉब में मजा आता है, बिल्कुल कईयों को मजा आता है, कईयों को मजा नहीं आता, सबका पीओवी सबकी डाइवर्स है यार ये दुनिया। अब मैं अपना पीओवी बताऊं तो भाई यार मुझे मजा नहीं आता है, तो मैं अपना पीओवी आपके सामने बता रहा, बाकी आप भी बता सकते हैं ना कि मुझे आपको मजा आता है अपने काम करने में, जॉब करने में, व्हाटएवर जॉब, पार्ट टाइम फुल टाइम कि नहीं। देखो यार सिंपल सी बात है, जिस काम में भी मजा आता है ना, जो काम हम खुशी से कर सकते हैं ना, वो काम हम 1 घंटा एक्स्ट्रा भी लगा के कर लेंगे। मतलब आप यूँ समझ लो जैसे अगर आपको उस काम में मजा आता कोई भी काम, तो अगर आप सपोज उसमें 5 घंटे में कंप्लीट कर लिया और आपका मन कर रहा है और कर लो, तो आप जब और करोगे ना आपको मजा और ज्यादा आएगा और आपको एंड इंटरेस्ट भी आएगा उसका। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपका मन नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो वो ज्यादा टाइम तक आप करने का मन ही नहीं करेगा, तो वो आपके लिए ना फिर स्ट्रेस प्रेशर, मतलब ना दिमाग को बिल्कुल प्रेशराइज करने वाला काम। इसीलिए सपने हमारे लिए ऐसी दुनिया है, ऐसी रिलैक्सेशन वर्ल्ड है जहां पे हम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, प्रेशराइज फ्री, कोई रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्सेशन तो मिलती है, कोई टेंशन नहीं होती वहां पे। वहां पे फिर पता होता है कि यार ये तो कल्पना की दुनिया है, यहाँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जरा सोच के देखो क्या हो कि वो कल्पना की दुनिया हकीकत की दुनिया बन जाए, तो आप बोलोगे यार इन्फिनिटी, फिर तो मौज हो जाएगी, मतलब हम जो सपने में देख रहे हैं अरे वो हकीकत में होने लग गए, फिर तो हम जादूगर हो गए। मैं बता रहा हूं ना एंशिएंट इंडिया के टाइम में लोग जो सपने में देख रहे थे वो हकीकत में कर सकते थे भाई। अब ये बताओ जो मैंने साइंटिस्ट को एग्जांपल देने को सस्ता और रेलेवेंट एक्सटेंड, अगर आपको मेरी बात झूठ लगती है तो आप गूगल करें, उनका बायोपिक पढ़े, उनके बारे में पूरी रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि वो अपने सपने में जो देखते थे वो जब हकीकत में करते थे तो वो हो जाता था भाई। ये है पावर हमारे ड्रीम्स की। आपको क्या ड्रीम छोटी मोटी चीज दे रही है? ना 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 ना, ड्रीम्स की असली ताकत इतनी ज्यादा है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो सपनों में दिखता है ना अगर वो हकीकत में हो जाए तो आप सब चमत्कार या मिराकल को। लेकिन अगर आप जिस एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं उसके बाद सपने देखोगे तो मेरे भाई वो सच नहीं 100% सच होंगे 100%। अब आप बोलोगे तू ऐसे की गारंटी दे रहे है? देखो सारी बातें मैं बताऊंगा तो वो दिमाग के ऊपर से जाएंगी, क्योंकि क्या होता है ना जो इंसान अपने आप करके देखेगा ना तब उसे समझ आता है। आप इस चीज को करके खुद देख लो, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई प्रूफ मांगता है। अब इस चीज का मैं प्रूफ इन द सेंस दे दूंगी तो वो ज्यादा मैटर करेगा, तो साइकोलॉजिकल। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अगर आप उस पॉडकास्ट को देखना चाहें या पॉडकास्ट नहीं तो वीडियो को जब देखें और जब उसे ट्राई करें तो आगे आप करेंगे। लेकिन इतना मैं वार्न करूंगा कि वो एक्सरसाइज सिर्फ तब करें जब आपको इंटरेस्ट हो या आपके पास कोई ऐसा सीनियर हो जिसे उसका ज्ञान हो। बिकॉज अगर आपने ऐसे ही मजे के लिए वो एक्सरसाइज करी मेरे भाई, वो फिर मजे की एक्सरसाइज नहीं, मजे के लिए आप प्राणायाम करें, मजे के लिए आप योगा करें, त्राटक एक्सरसाइज को मजे के लिए नहीं करी जाती भाई, वो बहुत ज्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है, इतनी पावरफुल है कि वो आपके लिए नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए जब मजे के लिए मत करना, सीरियस हो तो ही करना, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत जल्दी दिखता है एंड वो रिजल्ट कुछ लोगों के लिए डेंजरस भी हो सकता है, डेंजरस इन द सेंस कुछ लोगों को डरा भी सकता है। ट्रस्ट मी गाइस, 5000 साल पुराना विज्ञान है, सोच समझ के इस ज्ञान विज्ञान को बनाया गया है, सोच समझ के इन चीजों को दुनिया के सामने रखा गया है।
इसीलिए बहुत लोग ये इस एक्सरसाइज के बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बहुत पावरफुल, मतलब समझ लो कि डेंजरस है। तो या तो इससे दूर रहे, अगर आप करना चाहते हैं तो सोचो। क्योंकि मैंने इस चीज को मजाक में ही किया था स्टार्टिंग में, मुझे इंटरेस्ट आया था इस चीज में, मैं ट्राई करूंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो जब स्टार्टिंग का एक हफ्ता या वो एक महीना मैं नहीं भूल सकता पूरी लाइफ में, क्योंकि वो जो एक महीना मैंने मजाक में किया था ना, एक महीना तो मजाक में हुआ, स्टार्टिंग का एक हफ्ता, स्टार्टिंग का एक हफ्ता सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी आप फिर 21 दिन के बाद मुझे उसकी आदत पड़ गई। वो 21 डेज बस उनके बारे में नहीं बात करें तो अच्छा है, वो जो करेगा उसे समझ आ जाएगा। मतलब आप यूं समझ लो, अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं तो आपको सब कुछ दिखेगा, सब कुछ मतलब सब कुछ ही दिखेगा यार, बस यूं समझ लो। अगर आप किसी ने शक्तिमान वाला सीरियल देखा है ना, तो बस अगर जो 90s के लोग अगर मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें शक्तिमान का अगर यकीन है, तो फॉर योर गाइड इंफॉर्मेशन, जो मुकेश खन्ना है उसने आज तक शादी नहीं करी है, उसने शादी इसलिए नहीं करी है क्योंकि जो मुकेश खन्ना ने शक्तिमान सीरियल में चीजें दिखाई हैं वो 100% रियल है। एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, एनिमेशन VFX वो तो कल्पना ही है, बट वो 100% सच है। अगर उन्होंने वो पूरी अचीव कर लिया होता तो वो जो शक्तिमान ने दिखाया है ना एनिमेशन और VFX, वो हकीकत में हो सकता। आपने आज तक ये सवाल सुना होगा, क्या हो अगर हम यूज कर ले अपने दिमाग का 100%, तो 100% यूज करने के बाद आप वही बन जाएंगे जो सीरियल में एनिमेशन और VFX के थ्रू दिखा, और वो जो उसने शुभ साधना यज्ञ वगैरह वो 100% सच है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान, ट्रस्ट मी, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जो मैं ट्रैक बताया ना एक्सरसाइज, मैं तो लेवल 1 आपको बताऊंगा उस पॉडकास्ट में, उस लेवल पे जाने के लिए जो सीरियल में दिखाया आपको लेवल 7 अचीव करना पड़ेगा, एंड लेवल 7 आई थिंक बहुत रेयरली कोई कर पाया होगा, क्योंकि लेवल 7 बेसिकली ना अल्टीमेट लेवल है। अगर आप उस लेवल तक पहुंच गए देन आपको एक और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, और वो स्वयं श्री कृष्ण ने करी थी, इसलिए बता रहा हूं कि ये एक्सरसाइज के बाद एक और एक्सरसाइज होता है, उसे बोलते हैं कुंडलिनी जागरण। अब ये क्या है ये भी मैं उसी में बताऊंगा, लेकिन इसको भी मैं रेकमेंड करूंगा गाइस, जैसे त्राटक डेंजरस है, कुंडलिनी जागृत एक्सरसाइज तो उससे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि मतलब ना कुंडलिनी जागृत बेसिकली क्या है, आपकी फुल बॉडी को प्योर करने वाली चीज है, प्योरिटी, मतलब ये समझ लो आप फुली प्योर हो जाओगे दिमाग से, सोच से, आपको कोई डर नहीं लगेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल फुली, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आप तो वही नहीं है। तो हम लोग ना एक ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं, आम इंसान, सो हम अगर इस एक्सरसाइज को ना ही ट्राई करें तो अच्छा है, बट अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, सबसे पहले इसकी पूरी जानकारी इकट्ठी कर लो, मैंने आपको वर्ड्स बता दिए, त्राटक गूगल करके सारी जानकारी ले लो, कुंडलिनी जागृत की सारी जानकारी ले लो, एंड जब आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिसको इसकी पूरा नॉलेज हो तब ट्राई करो, इसके बाद के, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स है ना गाइस वो अल्टीमेट लेवल के, इतने ज्यादा फास्ट रिजल्ट्स है इस एक्सरसाइज के जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 5000 साल पुराना एंशियंट विज्ञान है, एंशियंट इंडिया की जितनी चीजें ना वो भाई एक नेक्स्ट लेवल की है। तो आपने सुना होगा कि पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो पुराने जमाने 90s का टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, राजाओं के जमाने में जब एंशियंट इंडिया एग्जिस्ट करता था वो बिना बोले किसी भी बात को समझ लेते थे। अगर आपने ये सतयुग त्रेता युग द्वापर युग के बारे में पढ़ा हो, कितनी सारी माइथोलॉजिकल कहानियां रामायण होगी महाभारत होगी बहुत सारी, इन सब में ऐसी चीजें हैं कि वो बिना बोले ही चीजों को समझ लेते थे। अब जैसे महादेव का एग्जाम्पल है, उनकी तीसरी आंख है जो बेसिकली
जो ऐसी चीजें हम दिखा सकती है जो कोई नहीं देख सकता। अब ये कैसे संभव है? ये संभव इसी एक्सरसाइज के कारण है जो मैं बता रहा हूं। अब एक भैरव तंत्र करके किताब है, भैरव तंत्र विज्ञान। देखो भाई, इसमें जो जो लिखा है ना, वो स्वयं स्वयं महादेव ने माता पार्वती के साथ उन्हें बताया था कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एक्सरसाइज 112 एक्सरसाइज करता है तो उसे अपनी हकीकत का एहसास हो सकता है। एंड गाइस देखो, जब ये एहसास होता है ना, ये अलग ही नहीं है। तो जो सपने में आप देखते हैं कल्पना, वो हकीकत बन जाएगी। तो जो ये एक्सपीरियंस करता है, उसे जो दिखेगा, तो यूं समझ लो उसे ऐसा लगेगा कि वो फ्यूचर देख रहा है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये हकीकत है। अब प्रूफ के साथ मैं आपको उस वीडियो में एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा, लेकिन गाइस मैं रिजल्ट्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि रिजल्ट्स बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। वो तो वही इंसान बता सकते हैं जिसने एक्सरसाइज करके। मैं अपना पीओवी रखूंगा, आगे आप देखिए। ठीक है, अब गाइस एट लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये एंशियंट ज्ञान पसंद आया हो तो अच्छी बात है, आप करना चाहें कर सकते हैं। बट अब हमारा फोकस आता है हाउ टू फुलफिल योर ड्रीम्स के फाइनल पार्ट। अब देखो यार, ड्रीम्स फुलफिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको पैशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए। सारा रास्ता मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे। एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, नॉर्मल मेडिटेशन भी करो चलेगा। ये तो बहुत ज्यादा हाई लेवल मेडिटेशन की बातें करती है, इनको इग्नोर करके आप नॉर्मल मेडिटेशन भी करोगे ना, उससे भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। उससे भी आप कोशिश करें तो सपने सच हो जाएंगे। यही तरीका है गाइस अपने सपनों को फुलफिल करने का। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। वाह, ड्रीम जैसे फुलफिल होते हैं, कोशिश जरूर करें।